प्यास लगने के बाद कुआं खोदेंगे, हैं? सीखने का टाइम हो जाएगा तब घुंघरू ढूंढेंगे। आहा, 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 अरे घुंघरू के कोई पंख होते हैं जो अलमारी पर उड़ कर बैठ जाएंगे। चंपा, हाँ, चंपा, मिल गए घुंघरू। ओहो, कहाँ रखी है? मेरे घुंघरू मिल गए? मेरे ब्लेड नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं कहीं? नहीं, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, समझे? अरे सुरेश, सुरेश, सुनता, मैंने लोटे में 3 रुपए 40 पैसे रखे थे, तूने लोटा देखा? ओहो माँ, अपनी चीजें संभाल के रखा करो, समझी? फिर लोटा कहाँ रख दिया मैंने? लोटा मेरे घुंघरू। घुंघरू, हे बोलना, हे शिवशंकर, हर चीज खोई हुई है इस घर में गोपी, किसी दिन तुम भी खो जाओगे। खैरियत चाहते हो बच्चू तो चुपचाप खिसक लो। कहाँ जाओगे बच्चू? 5 रुपए काटूंगी, 1 ब्लाउज कम है। आप इसे घर में होगा बीबी जी, मैं तो गिन के लाया हूँ। हमारे घर में कोई चीज खोया नहीं करती, समझे? आज मारे गए गोपी, थानेदार की नई नई बीवी है, उसने किसी और को रख लिया तो अपना वो भी जानत गया। चंपा, घुंघरू मिले कि नहीं? घुंघरू वही पर तो थे, खोते थे। सारा घर ढूंढ लिया माँ, जाने कहाँ चली गई? मुझे मालूम है कहाँ चले गए। बोलो बच्चों, फिर कहो। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, अपनी लाडली को समझा दो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, आज फिर चंपा के घुंघरू गायब हैं। मगर हेमा क्यों ले गई उन्हें? तुम्हारे मना करने के बाद बेचारी ने कभी हाथ भी लगाए हैं उन घुंघरुओं को? मुझे मालूम है कितने भोले हो तुम और तुम्हारी बेचारी बेटी। कह देती हूँ, अगर उसने घुंघरू उठाए होंगे ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, घर में होएंगी तो तभी तो मिलेंगी ना। क्यों कष्ट कर रही हैं? देखिए, अगर घुंघरू नहीं मिलते तो वो गाय के गले में जो घंटियां हैं ना, उनसे भी काम चल जाएगा। ये रहे घुंघरू, हेमा के पास थे। लो, वो 2-3 घंटियां निकल आई थी ना, वो दुकानदार के पास गई थी बनवाने के लिए। देखो ना, लोग यूं ही बातें करते हैं कि सौतेली बहनें एक दूसरे से जलती हैं। हमारी हेमा को देखो, कितना प्यार करती है अपनी छोटी बहन से। तू बोझा उठाए क्यों खड़ी है, जा अंदर रखते जा। ठहर वहीं। तू क्या समझती इन किस्से कहानियों से बहल जाऊंगी मैं? बोल, क्यों ले गई थी घुंघरू? बोलती क्यों नहीं? सावित्री, वो बेचारी क्या बोल सकती है? अरे हाँ, गूंगी है बेचारी, बहरी तो नहीं। कान खोलकर सुन ले छोकरी, फिर से घुंघरू को हाथ लगाओ तो टोंगे कोट को छोले में फेंक दूंगी। सावित्री, धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। और मुँह क्या देख रही है, गोबर कंडे क्या तेरी माँ स्वर से आकर करेगी? Yeah.
पाई लगी मास्टर जी। कितनी मेहनत से सिखाते हो तुम मेरी बेटियों को गोपी, और एक मैं हूँ जो महीने के महीने चार पैसे भी नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं मास्टर जी, हम कोई पैसों के लिए यहाँ आते हैं? अरे आपको गुरु माना है इसलिए आते हैं गोपी। हाँ मास्टर जी, कहना तो नहीं चाहते थे हम कभी, बचपन में एक बार स्टेज पर देखा था आपको कलकत्ते में, ऐसा लगा था जैसे साक्षात नटराज उतर कर आ गए हो कैलाश पर्वत से। तभी से लगन लग गई थी कि एक दिन हम भी मास्टर चिंतामणि प्रधान की तरह नाचेंगे। जब सुना किसी दुर्घटना में आपके हाथ पांव चले गए, तब मंदिर जाकर भगवान से यही मांगा था कि छीनना है तो हमारे हाथ पांव छीन ले, काट के टुकड़े हैं ये, मगर मास्टर जी पर अत्याचार मत कर। फूट फूट कर रोए थे उस दिन मास्टर जी, फूट फूट कर रोए थे हम। किस्मत से लड़कर कौन जीता है गोपी, अब तो इसी आशा में जी रहा हूं कि बच्चियां मुझसे अच्छा सीखें, नाम रह जाए घराने का। ऐसा ही होगा मास्टर जी, आपकी हेमा तो साक्षात सरस्वती का रूप है। आहा, क्या शुद्ध भंगिमाएं हैं, क्या अभिनय है, आंखों में तो सागर लहराता है भावों का। और चंपा, अब आपसे क्या छिपाए मास्टर जी, चंपा एक तो बच्ची है, दूसरे उसमें लगन भी नहीं है सीखने की। उसमें लगन नहीं या तुम्हें लक्षण नहीं सिखाने के? मास्टरनी जी चुप रहो। मास्टरनी मत कहा करो मुझे, कल से तुम सिर्फ चंपा को सिखाओगे, हेमा को मुझे बड़े काम सिखाने हैं। सावित्री, नहीं सावित्री ऐसा मत करो, सीखने दो उसे। यही दो चार पल होते हैं जब उसकी आंखों में खुशी की कोई झलक दिखाई पड़ती है, इसे मत छीनो उससे, इतना इतना अन्याय मत करो। हाँ, मैं तो अन्याय कर रही हूँ सौतेली माँ जो ठहरी। वृत शिरोमणि जी, घर गृहस्थी के चार काम काज सीख लेगी तो डोली उठ जाएगी राम राम करके। बिंदी को जो कोई बिहाने करने आएगा वो उसके गुण देखेगा, काम काज देखेगा, छम 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 नहीं, समझे? मामी मिल गया, मामी मिल गया, गोल्डन चांस यानी कि सुनहरी मौका मिल गया, ये देखो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जरूरत है फिल्म में हीरोइन बनने लायक लड़की की। अच्छा। नृत्य और हिंदी का ज्ञान जरूरी और उम्र 17-18 के बीच। अरे वाह, चंपा 17 साल की कहाँ हुई है? अखा, समझो के ना समझो बाईगार्ड बीच में बोलोगी जरूर। क्या जानती हो फिल्मों के बारे में? अरे अम्मा, वहाँ 12 की लड़की को 20 की बना देते हैं और 60 की बुढ़िया को 16 की दिखा सकते हैं, समझी? ब्रह्मा है ना वो लोग। अरे ब्रह्मा जी क्या है फिल्म वालों के आगे अम्मा, फिल्मों में काली लड़की गोरी दिखती है और मोटी पतली, और अम्मा जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हो ना वो मोतियों की लड़ी से चमकते हैं। भाई गॉड, वो जो लोटा है ना तुम्हारा पैसों वाला, वो वहाँ रखा हुआ है। मिल गया मेरा लोटा। अरे आजा बैठ जल्दी से सुनो। मामी, जब चंपा फिल्मों में बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना तो बाय गॉड वो प्रोड्यूसरों से कह सकती है कि कहानी उसके बड़े भाई श्री माथुरस चंद्रा ही लिखेगी। अरे बेटा, पहले उसे हीरोइन तो बनने दे। अरे वो बनेगी तभी तो मैं बनूंगा ना। बस मामी, आज ही चंपा का फोटो भेज देता हूँ, बाय गॉड 3-4 दिन में जवाब आ जाएगा। सुनते सुनते ये गूंगी आ गई, मेरी फट भेज। क्या कर रही, जाकर अपने बाप से कह। वेरी सॉरी मिस हेमा, आप हीरोइन नहीं बन सकती। क्या है, गाना तो आपके लिए कोई भी गा देगा और आप सिर्फ फोन चला देंगी, पर बाय गॉड हीरोइन बनने के लिए एक दो डायलॉग तो बोलने ही पड़ते हैं, उसका क्या होगा? अंदर अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या है? अच्छा बाबा, अच्छा
अरे क्या है? ये क्या कहना चाहती है? मालूम नहीं। शांति बेटा, कुछ खा पी लो, काम तो होता ही रहेगा। मैं मंदिर जाके आता हूँ। अच्छा पिताजी। मेरे पिताजी। तुम्हारे पिताजी? उनको खांसी है। अच्छा अच्छा, अभी दवा दो। पी लो। अब जी कैसा है चिंतामणि? अरे जीवन का क्या भरोसा, ये तो पानी का बुलबुला है, जाने कब चित्तपुट हो जाए। अरे हाँ, पिछले तुमने मुझसे 7 रुपए लिए थे ना, तो कुल मिला के 312.60 रुपए हो गए मेरे तुम पर। आराम करो, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे हाँ छोड़ो भी, 60 पैसे का क्या लेना देना, 312 रुपए याद रखना। आराम करो, आराम करो, सीताराम सीताराम। दवा लेने गई थी ना? नहीं बेटे, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बुआ जी ने कुछ काढ़ा बनाकर पिलाया था। हाँ बेटी, तेरी कसम। डॉक्टर बाबू क्या कह रहे थे? तुझे जांचने लगे, समझे कि तू बीमार है। जाने कहाँ मर गई छोड़े। सत्यानाश हुए तेरा, चूल्हे पे दाल चावल कोयला हो गए, और तुम दोनों यहाँ मस्करी कर रहे हो। सावित्री, मस्करी तो तुम लोग कर रहे थे। सांस रुक रहा था मेरा, दम निकल रहा था, किसी को फिक्र ही नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि बिना तेल का ये दिया जला क्यों जा रहा है, बुझता क्यों नहीं। यही एक बेजुबान है जो मुझे बचाए हुए है। बचाए हुए है? अरे इसने तो जीना हराम कर दिया है। भगवान कसम, घी के दिए जलाओ, अगर एक चुड़ैल को मौत आ जाए। सावित्री! अनजान हम ये अंतर्यामी, शीस झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। Thank you.
रख ओ रखवाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारे न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। होके से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए। जब जब ये पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या बिट्टू, तीन गुणा तीन कितने होते हैं? मास्टर जी, ये मुझे मारता है। अरे रामू, शरारत मत करना है। नहीं बेटे, तीन और तीन होते हैं छह, तीन गुणा तीन होते हैं नौ। अच्छा आप बताओ, तीन गुणा चार कितने होते हैं? देखो बिट्टू, तुम बराबर याद नहीं करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, समझे? अच्छा जाओ, घर जाओ, जाओ, हाँ? जाओ। अच्छा बच्चे लोग, आज छुट्टी, घर जाओ। हाँ प्रणाम मास्टर जी। वो राम जी की रथ यात्रा थी ना, बहुत मजा आया मास्टर जी। साधो के सीधा उसी का प्रसाद लाया आपके लिए, ये लीजिए मास्टर जी। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेता हूँ राजू, लेकिन मेरा तो हर भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। याद नहीं पड़ता किसी का कुछ बुरा चाहा हो कभी। मैं तो ठीक, बेचारी हेमा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आवाज छीन ली भगवान ने उसकी। आप यूं क्यों नहीं सोचते मास्टर जी कि छोटी मास्टरनी सुनती कितना तेज है? आपसे और हमसे ज्यादा तेज सुन लेती है वो। दूर कहीं कोयल कूके ना, वो सुन लेती है। फूल पत्तों से कुछ कहे, वो भी सुन लेती है। मुझे तो विश्वास है मास्टर जी कि फूलों और चिड़ियों की जुबान भी समझ लेती है छोटी मास्टरनी। हाँ यही तो दुख है बेटे, काश उस बीमारी में वो गूंगी के साथ बहरी भी हो जाती तो दिन रात अपनी सौतेली माँ की नस्तर होकर चुभने वाली बातों से तो बच जाती। सोचा था बेजुबान को फिर से मां मिलेगी, काश मैंने दूसरी शादी ना की होती। अच्छा याद आए, मैं राजगांव में था ना मास्टर जी, वहां एक महात्मा जी मिले थे, बहुत पहुंचे वे। थोड़ी सी मिट्टी रोगी पे लगाते थे, बस देखते देखते रोग दूर। पिछली गर्मियों में तो गया था वहां, नहीं गर्मियों में तो मैं शिवापुर गया था, नहीं अगस्त के महीने तो राजगांव गया था मास्टर जी।
हाँ ठीक है, दो महीने पहले वहां था फिर मैं यहाँ आ गया। एक और चक्कर लगा लेंगे मास्टर जी, मास्टर जी से कह देंगे कि थोड़ी सी मिट्टी छूकर हमें दे दीजिए, अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर देखना मास्टर जी, छोटी मास्टरनी बोलने लगेंगी और आप पहले की तरह नाचने भी लगेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, एक नया ढेर लग जाएगा इनामों और तस्वीरों का। इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू, घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, आपसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना है कि पिता का प्यार क्या होता है। सच तो यह कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूँ, चाहता तो बहुत हूँ लेकिन आपके कुछ कर नहीं पाता मास्टर जी। सावित्री, राजू आया है। बताने की जरूरत नहीं, देख रही हूँ खंभे की तरह खड़ा है, शनिवार का सुबह निकलना भूल सकता है लेकिन ये शनिचर यहाँ आना नहीं भूलता। दो बखत की रोटी एक ही बखत जो खा जाता है। छी 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 छी, गलत बात की मास्टरनी जी ने, बिल्कुल गलत। दो वक्त का खाना कहाँ मैं खाता हूँ एक वक्त में। नहीं नहीं, तुम्हारे घर में छोटी मास्टरनी, मैं तो दो दिन का खाना एक वक्त में खाता हूँ। क्यों खाना? अरे वाह, जय भोजन देवता। मास्टरनी जी को मास्टरनी कहो तो उनको बुरा लगता है, तुमको मैं छोटी मास्टरनी कहता हूँ बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ। नहीं नहीं, वो क्या कि एक साथ जल्दी खा गया ना इसलिए वो। घीरे खाऊं? घीरे कैसे खाऊं, खाने में इतना स्वाद है रुका ही नहीं जाता। वैसे राजू है बड़ा बेशर्म, मास्टरनी जी की इतनी गालियां खाकर पेट नहीं भरता, ऊपर से खाना भी यहीं खाता है, पर क्या करूं, मजबूरी है छोटी मास्टरनी। हफ्ते में छह दिन छह घरों में खाना खाता हूं लेकिन इंतजार ऐसी सातवें दिन का होता है। अब देखो ना, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, चढ़ाते हैं ना, लेकिन इधर खुद ही देवी के हाथों से प्रसाद मिलता है इस भाग्यवान भक्त को, भला कैसे रुक जाए। और फिर जो मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा? हाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी। बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर एक नतीजे पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात जो वैसे ज्यादा बोलती है और उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बगावज बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ पैर से मारा था, जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूं डफली। हां ओहो, जितना मना करता हूं उतनी ज्यादा बकवास करते हो। अब अगर लग भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा बाहर, समझे? अरे अरे कहां जा रहे हो आप? मंदिर की बात करते हैं ना, मैं तो गांव ही छोड़ देता हूं, मुझे से अनाथ का क्या है? 10 दिन इस गांव में, 10 दिन उस गांव में, एक महीने से ज्यादा एक जगह में कभी ठहरता नहीं था, और आपको भी मालूम है ये। लेकिन मुझे ये थोड़ी मालूम था कि आपका प्यार मुझ पर ऐसा जादू कर देगा कि मुझे आपके रूप में माँ बाप भगवान सभी मिलेंगे। लेकिन अब राम 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 राम। राजू इधर आ, इधर आ, बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा। देख, आइंदा कभी ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो मैंने जो दवा दी थी वो खाई थी? खाना खाया था? कहाँ? मास्टर जी के यहाँ। तब तो खूब छक्के खाया होगा। खाना खाना याद रहता है, दवा खानी याद ही रहती, कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। बाबा
क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? सोने सोने मेरी एक दो गतें सुने बगैर भला आपको नींद आ सकती है? Thank you.
सरस्वती देवी ने दासिता पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी छम 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 तेरी पायल की झंका गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो हो गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश गीत तभी मन से जब लगती है के आ चल जा मैं साथ हूँ तेरे लेना टूटे ता न छूटे छूटे ये संसार पर्वत के इस पार गूंज थी चम 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 तेरी पायल की झंका क्या बात है बेटी नींद नहीं आ रही कोई बुरा सपना देखा है क्या अरे ये क्या हुआ
कैसी सोने की गुड़िया जैसी बच्ची है, जाने किन पापों का फल मिल रहा है उसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ पुजारी जी, लड़का गरीब हो घर मामूली हो सब चलेगा, इस नरक से तो मुक्ति पाएगी बेचारी, यहाँ भी जाएगी यहाँ से तो अच्छी रहेगी। जी छोटा मत करो चिंतामणि, अरे वो बैठा है ना सबकी खबर रखने वाला, अपनी हेमा के लिए भी जरूर कोई ना कोई संजोग तय किया होगा उसने। देखना एक दिन राजकुमार जैसा कोई लड़का आएगा अपनी हेमा को बहने। हाँ, सबर से काम लो। सबर की भी कोई हद होती है, अब नहीं सहा जाता, उसका दुख और नहीं देखा जाता मुझसे। अरे मामी जल्दी से मुंह मीठा कराओ फटाफट। अरे क्या हुआ सुरेश, बंबई से कोई चिट्ठी आई है क्या? आप जो जब हीरोइन बनेगी? अरे बन गई समझो, ये पढ़ो अंग्रेजी में ना पढ़ता हूँ। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। और लिखा है जल्द से जल्द 10,000 रुपए लेकर पहुंच जाओ। 10,000? वो कहां के लिए? तैयारी वैयारी में खर्चा लगता ही है मामी, और फिर क्या हीरोइन यूं ही बन जाएगी, कल को लाखों कमाएगी भी तो। वो तो ठीक है, मगर इतना सारा रुपया आएगा कहां से? आ जाएगा मामी आ जाएगा, वो है ना अपने घर में हेमा। ओहो, ऐसे शुभ काम में उस गूंगी का नाम क्यों लिया? दैट इज द पॉइंट मामी, नुक्ता यही है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये देखो समाज सुधारक मंडल की तरफ से विज्ञापन है, वो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी लायक लड़कों से करवाते हैं, और जो भी खर्चा हो वही देते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, हेमा का हाथ किसी के हाथ में दिया और 10,000 लिया, 10,000 दिया कि चंपा हीरोइन बनी, सिंपल। अच्छा जी, लड़की तो गुणों का भंडार है, बस यूं समझिए कि दिन रात अपने पति की और आपकी सेवा करती रहेगी। जी नहीं, वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो गाय है। आइए आइए मामी, मेहमान आ गए। सुरेश, बुड्ढे ने टोपी दिया। आइए आइए, ये सामने हमारा घर है, आ चलिए। कौन आया है घर में? आखिर आपने टोक ही दिया ना मामा जी, मैं तो सोच रहा था शगुन टीका होने के बाद बताता। शगुन टीका? किसी का रिश्ता हो रहा है क्या? कमाल की बात करते हैं आप, बाय गॉड घर में दो ही तो मर्द हैं, एक मैं और एक आप, अगर मैं भी आपकी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं तो हो चुका। हेमा के लिए एक लड़का देखा है मैंने, और अब लड़के की माँ हेमा को देखने आई है। लड़की पसंद है मुझे, लड़का खुश हो जाएगा कि माँ सचमुच की लक्ष्मी लाई है। ये लीजिए 10,000 रुपए, अगर शादी के वक्त और जरूरत पड़े तो। अरे अच्छे वक्त पर तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन, ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री, कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। आप बहन जी कितनी तनख्वाह बताएं? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं लड़के से की जाएगी। लो, अरे लड़कों की भी शक्ल सूरत देखी जाती है, संजीन जी को देख लो, ऐसे ही होगा। हाँ, हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है समझी, फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है, वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए आप अब बुरा न मानिए, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरी भी जवान बेटियां हैं, उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था इसलिए नहीं आ सका, अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। ये रुपए क्यों दे रही हैं आप? शगन के रुपए हैं, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री, मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी। तुम चुप रहो। गुस्सा चुप दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी, आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलती हूँ बहन जी। सुनिए, आप तो घर की बड़ी हैं, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद
बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी ही नजर लगी होगी। प्रिया आपकी थैली। धन्यवाद भाई साहब, दिन में कुछ मत रखिएगा। सुरेश बाबू, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ क्यों नहीं। तुम काजल का टीका लगाई लो छोटी मास्टरनी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें। अच्छा वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही, वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? असल में छोटी मास्टर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी करता कि मैं आज टप उठाकर अभी गाना शुरू कर दू? अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर जी, उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा। डोली के साथ गांव की सरहद तक नाश्ता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि राम जी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अभी नहीं, अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सो से साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी, एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा और क्या। लो, मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ। यानी गांव छोड़ के नहीं, वो क्या है कि हमारी छोटी मास्टरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा तो लाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। अरे तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मास्टरनी एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा ना लाऊं, तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ मैं चलता हूं फिर। क्या कहने, चांदी के घुंघरू देंगे। क्या रही थी चाह रही है दिमाग पर, पता भी है कितने के आते हैं। जितने के भी आते हो बाबा जी, राजू को बस धपली बजाने की देर है, जितनी भी कमी होगी वो लक्ष्मी माँ खुद आकर पूरी कर जाएंगे। अब मेरी बस का वक्त हो रहा है बाबा जी, मेरे पैसे जल्दी निकाल के दे दीजिए। ये ले। ये तो 101 रुपए बाबा जी। 101 रुपया शुभ होता है, मगर मैंने तो 80 रुपए जमा किए थे। ओहो, मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है आखिर। देखिए बाबा जी, आप अब तुम्हें देर नहीं हो रही जो बहस कर रहे। बोलो सियावती रामचंद्र जी, प्रणाम बाबूजी, चलता हूँ मैं फिर। देखो वो खाना ठीक से और वक्त पे खाते रहना। हाँ और सुनो, वो जो दवा दी है मैंने तुम्हें, वो बराबर सुनते हो या नहीं? सुनो सुनो सुनो। सिर्फ सुनते ही उम्र कहाँ करते हो? तीन खुराकें रोज लेनी है, ये खांसी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो सुनो सुनो, वो दो तीन दिन में। आप फिक्र क्यों करते हैं बाबा जी, आप अंदर जाइए, धूप बहुत कड़कती है, चलता हूं मैं। और सुन सुन राजू सुन। हाँ जी। कुछ नहीं, छूट जाएगी राजू। हाँ जी। संभल के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अपनी सेहत का ख्याल रखना। और सुन, वापस जल्दी लौट के आना। कौन है आप? नाम बता क्यों बताऊं? सिर्फ इतना काफी है कि आज रात के लिए तुम्हारा मेहमान। ये क्या बदतमीजी है, मैं भी बुलाती हूँ उन्हें। उन्हें क्यों तकलीफ देती हो? तुम्हारे पति थे, वो तो नोट गिन रहे होंगे।
पूरे 2000 दिए रुपए। अगर तुम्हारे मियाँ को पता चल जाए कि तुम अपने मेहमान की खातिर हिस्सा कर रही हो तो तुम्हारी खाल उठेगा भूसा भर देगा। और ये नर्म खाल भूसा भरने के लिए नहीं होती मेरी जान। चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। क्या बात परेशान नजर आती? डॉक्टर को बुलवा कर अपने 2000 रुपए रात वाले मेहमान का इलाज करवा लो। मर मरा गया तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। क्या भक्ति हो, क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2000 रुपए में बेच डाला। तू है तुम पर। मुझे सच्ची सावित्री चाहिए होती तो क्या तू ही बची थी अनाथ आश्रम से उठा के लाने के लिए? और मुझे भी बिकना होता तो सड़क पे खड़े होकर बिक लेती। जिस सम की कमाई खाने के लिए तुम जैसे पति की जरूरत नहीं थी मुझे। सीधे से ऊपर जाती है या नहीं जाऊंगी? नहीं जाएगी साली, नहीं जाएगी। मेरा तो बाप भी जाएगा। अब तू आदमी क्या जानवर? चल ऊपर, मैं कहता हूँ थोड़ा सा छोड़। तू कौन था बीच में आने वाला? दरवाजा खोल हराम। तू अंदर ही अच्छा लगता है कुत्ते। ओह माय गॉड, बीस। मैं अभी उस मकान पर छापा मारता हूँ। राम सिंह जी साहब, मैम साहब को हिफाजत से उनके घर तक भेज कर आओ। बहुत अच्छा साहब। मेरा कोई घर नहीं इंस्पेक्टर साहब, महिला आश्रम में पली हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। 60, 70, 80, 90 मर क्यों जमुना दास? कमाल को छोड़ो या तू, जेब में 90 रुपया ले फिर है और भाव कर 250 की चीज का। अच्छा सेठ जी, आप इसे अलग रख सकते हैं है? मैं हफ्ते भर में आपके पैसे ले आऊंगा, फिलहाल आप 90 रुपए रख लीजिए। अरे रेवण दे, सगला एक साथ ले ले मांगा, मगर हफ्ते के एक दिन बाद भी आवेगो तो चीज बेच देंगो, समझोगे? जा जा जा, क्या है? मेरे लिए कोई चिट्ठी आई पोस्ट मास्टर जी? कोई चिट्ठी उठी नहीं आई। अरे मैंने बाबा जी को तो आपका बता दिया था, आज तो मेरी चिट्ठी जरूर आई होगी भाई। आई होगी फिर। अरे राजू ढबली वाले, ए, अंदर जाके क्या देखता है, बाहर जाके बोर्ड पे देखो। चलो चिट्ठियां बाहर होती है, चलो चलो। शांति शांति, मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है, है।
बेटा राजू। प्रणाम बाबा जी। तुम्हारे जाने के बाद अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बाबा जी। चार दिन में इतनी ममता बांध दी है तुमने, मैं भी तो आपके प्यार में कितना बन गया हूं बाबा जी। वरना राजू महीने डेढ़ महीने से ज्यादा कभी किसी गांव में टिका है? नहीं। आगे हाल ये है कि मास्टर जी ने भी लड़का देख लिया है। अच्छा किया। शादी इसी शुक्रवार की तय हो गई। अरे भाई तो बहुत मजे की बात है। आशा है कि तुम रोज दवाई खाते होगे। अरे मैं तो, अरे तुम, अरे आप कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपके उन महाशय का क्या हुआ? वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकला। छोड़ो उसकी बात, तुम सुनाओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है, अपनी छोटी मास्टरनी है ना, उनकी शादी हो रही है। छोटी मास्टरनी? आप तो छोटी मास्टरनी को जानती नहीं है। अपने गांव में मास्टर चिंतामणि प्रधान जी हैं। साक्षात नटराज का रूप है, उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की तरह नाचती है। जी मैं आके शादी में चांदी की पायल भेंट करूँ। देखिए कितने पैसे मैंने इकट्ठे किए। देखिए अब क्या है कि मेरे पास तो अकल है ही नहीं। मैं चाहता था कि आप वो दुकान पे मेरे साथ चलिए और देख लीजिए कैसी है चीज। मैं? जी शादी का मामला है ना। अच्छा चलो आइए। भाई साहब ये आपका 5 रुपए का नोट। अरे मेहरबानी भाई, आइए। चलो बहुत सुंदर है। छोटी मास्टरनी के पाँव में देखिएगा, और भी सुंदर लगेगी। अरे सेठ जी अच्छी सी डिब्बे में रख के देना, शादी में देनी है ना। कहाँ रख दिए? मेरे पैसे थैले में तो रखे थे मैंने। हाँ मेरे सामने तो रखे थे तुमने, किसी ने चुरा तो नहीं लिए? साला कुत्ता, राजू की दिन रात की कमाई ले गया हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू छोड़ो मुझे, मैं कमरे के जाऊंगा। राजू होश करो, राजू इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे? क्या वो अब तक तुम्हारे इंतजार में वहीं खड़ा होगा? आप नहीं जानते को समझे, दिन रात मेहनत की थी मैंने, भूखे लगकर एक एक पैसा छोड़ा था मैंने इस पायल के लिए, लेकिन अब सेठ जी आप मुझे पायल दे दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मैं 10-15 दिन के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा। अरे ढबलिया तू मैंने उल्लू समझियोगे, दरवाजो पीछे है, निकाल। मेरा यकीन कीजिए क्या बोल छोरी? पायल दीजिए। क्या बोली? दीजिए ले। इसकी क्या कीमत है? ये क्या कर रही है आप? मंगलसूत्र क्या बेचा जाता है? इसे मेरे गले में डालने वाला तो मुझे ही बेच रहा था, फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? मगर कुसुम जी आप कुछ न कहना, तुमने भाई की तरह आकर मेरी रक्षा की, तुम्हें मेरी कसम है अगर इनकार किया तो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूषाः विश्वभेदा सुवृत्तरथो वरिष्ठमेधिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। खट्टा भाई शादी होगी क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, होने वाली है। वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोके नाथ। नहीं जाऊंगी, कह दिया ना कि नहीं जाऊंगी। साली नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। खबरदार कमीने कुत्ते, तेरी ये मजाल तू यहाँ भी आ पहुँचा? राजू मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने क्या बेहूदगी है? आप जानते नहीं मास्टर जी, ये एक नंबर का बदमाश है, ये पुलिस से बच के भागा है। नहीं नहीं ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? ये झूठ है कि तू शादीशुदा है, ये झूठ है कि तू अपनी बीवी से पहली रात तक धंधा कराता है। बोल ये सब झूठ है। चुप क्यों बोलते क्यों नहीं? पता नहीं क्या बकरा है ये, कौन है आदमी? क्यों भूल गया? मैं वही हूँ जिसने कुसुम को तेरे पंजों से बचाया था जब तू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। हे माँ
उठो वहां से, ये शादी नहीं होगी, उठो फौरन। हाँ छोटी मासी, आप उठिए यहाँ से, चलिए उठिए। तुम चुप रहो, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तो सोचिए, अगर ये शादी रुक गई तो इस लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? भले कुंवारी बैठी रहे मेरी बेटी, इस डर से क्या मैं बेच डालूंगा उसे? मगर किसकी बात में आ रहे हैं आप? दो टके के लड़के ने कुछ भी बक दिया और आप मान गए? मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह जानती हूँ। शादी में इसलिए बखेड़ा डाल रहे हो ना कि तुम्हारी खुद की नजर हेमा पर है। ऐसा मत कहिए मास्टर जी। ओ, तो ये मामला है। मैं तो रहम खा के आया था कि बेचारी गूंगी है तो क्या हुआ, मगर खानदानी है, पर यहाँ तो भिखारियों से चक्कर चला हुआ है। जबान खींच लूंगा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बुरी बात कही। रखिए अपनी सती सवित्री अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। प्रकाश बाबू ठहर जाइए, जाने दो उसे। आप गुस्सा मत कीजिए, क्यों रे नीच कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मासूमी जी आप खबरदार, जो मुझे मास्टर ने कहा, गंदी नाली का कीड़ा गंदगी फैलाने के लिए हमारा ही घर मिला था तुझे। सावित्री आप लोग देख क्या रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता हमारी बहु बेटियों पे नजर रखता है। धक्के मार कर निकाल दो इस हराम को। नहीं मास्टर जी, नहीं नहीं मास्टर जी, मुझे आप जो कुछ कह लीजिए, लेकिन मैं सच कहता हूँ, इस आदमी की करतूत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मास्टर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी सही नहीं है, बदमाश है। छोटे मास्टर जी को किसी भी चीज का इसके हाथ देखने मत दीजिए। मास्टर जी मेरी बात मान लीजिए। मास्टर जी मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ दामा जी, गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए आइए। मजबूर है कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है।
व्यापार है, दौलत में सब जोर है, धर्म बड़ा कमजोर है। बिकते हैं संसार में इंसान भी बाजार में, दुनिया की ये रीत है, बस पैसे की जीत है। ऐसा अगर नहीं है तो सच भगवान, अब आप यूं ठीक हो जाएंगे। बड़े डॉक्टर साहब को लाया हूं मैं। असल में डॉक्टर साहब, इन्हें बीमारी हमारी कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि ज्यादा ही सोचते हैं। वो क्या कि मास्टरनी जी और चंपा शहर चले गई ना, और फिर बुआ जी चले गए तीर्थ यात्रा पे, बस दिल पे चोट लगा ली कि इन्हें सब अकेला छोड़ गए। मास्टर जी, आप अकेले काहे के हैं? हम नहीं है क्या? ये छोटी मास्टरनी है, पुजारी जी है, मैं हूँ, सभी तो है आपके पास। तुम पैसों की फिक्र मत करो छोटी मास्टर जी, बहुत काबिल डॉक्टर हैं मास्टर जी, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ क्या बात है बच्चों? डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को जल्दी ठीक कर देना। डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को अच्छी अच्छी दवाई देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, हमने पैसे जमा किए हैं, और लगेंगे और दे देंगे। अच्छा बेटे, मास्टर जी आंखें खोलो, बिट्टू से बात करो। मैंने सीखा पढ़ा याद कर लिया है। एक अम छे छे दुनी बारा ए तियाटर छे। मास्टर जी आंखें खोलो। मास्टर जी मास्टर जी इस
तो आएंगे, स्कूल भी आएंगे तो तुमसे बोलेंगे भी। मुझे अफसोस है भाई, अभी इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मास्टर जी, जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कह गए, अब आपको दवा की भी जरूरत नहीं, सिर्फ चिंता खाई जा रही है आपको। मैं कहता हूं आपको किस बात की चिंता है मास्टर जी। समझते हैं छोटी मास्टरनी के लिए अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे एक से एक लड़के पड़े हैं, अच्छे घरानों के बीए पढ़े लिखे। हाँ मास्टर जी, बस आप ठीक हो जाइए मास्टर जी, मैं खुद छोटी मास्टरनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। सच कह रहा हूँ मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना।
अपना था अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। दुनिया में जो भी आया है एक नए दिन तो उसे जाना ही है मामी। अफसोस हमें भी कम नहीं है मामा जी के गुजर जाने का, पर इस तरह निराश होकर बैठ जाने से क्या होगा बोलो। ओहो चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ मामी, हमें प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना है। मुझे इस तरह उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो बीमार थे, उन्हें मैंने बहुत दुख दिया है। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह रूठ कर चले जाएंगे। मैंने बहुत बड़ा कसूर किया, बहुत बड़ा पाप किया है। ओहो रोने से क्या होगा मामी, बाहर निकलोगी जी बहलेगा। मुझे तंग मत कर, मुझे अकेला छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर। गोपी जी कहाँ जा रहे हैं आप? अब हमारा भी जी यहाँ नहीं लगता सुरेश बाबू, हम वापस जा रहे हैं अपने घर। क्या कह रहे हैं गोपी जी, अगर आप चले गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा, और आप तो बिना चंपा नृत्य क्या करेगी खाक। नहीं मगर हम गोपी जी उधर प्रोड्यूसर को क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, सब कुछ आपको तो संभालना है। आई, आई, आई। संभालना है सब कुछ। अच्छा तो फिर हम नहीं जाते गाँव, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। गलती हो गई क्या, नैन है वैजयंती माँ, क्या बदन है मधुबाला, क्या फिगर है रीना रॉय, क्या चेहरा है रीना रॉय, नरगिस मेहताब सुरैया लोटा मारवो जीता करवो सब एक ही में है रे, इंडस्ट्री में हंगामा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा रे। नाम बताओ गोपी है रे, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए हजारों लाखों गोपियां पागल हो गई थी, उसी तरह तुम्हारे लिए भी हजारों लाखों किशन पागल हो जाएंगे, रस्ते में बोल खींचेंगे, कपड़े फाड़ेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है गोपी? अरे इनका नहीं हमारा नाम है गोपी। चुप, तुझे कौन पूछा था? सुन रही, क्या नाम है तुम्हारा? मत बताना चंपा, मत बताना, पहले आप बताइए कि चंपा हीरोइन बनेगी कि नहीं? जरूर बनेगी। क्यों रे, तू क्या समझता हमको? पूछा है तू क्या पूछा था?
मैं तुषार बाबू घोष, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और बाबू फिल्म इंटरनेशनल, इन सबको इसे भी बनाऊंगा मैं। क्या कहता है तुम्हें, नाचना, दौड़ना, तैरना, बोलना कुछ आता है? नाचना आता है। आता है? दिखाओ। हाँ दिखाओ 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 हाँ दिखाओ। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना तक दिन दिन ना चत गोपाल लीला तक 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 गतड़ा राधा मुस्कान जात डाकर तुक तुम तक नड़ा मुरली दर अदर लेन सावरों ने एकता राधिका ने नृत्य की ने मार के कटाक्ष बाण दिन 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 जात जात तट 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 जमनाथ कुंज कुंज बटक बटक दरग 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 गोल निके दरग 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 गोप निके नीर के है नहीं निज दंड 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 भाग्य उनके कार्य दंड 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 भाग्य उनके कार्य दंड 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 भाग्य उनके है गोपी। हाँ अरे ये तो लेट गए। हाँ लेटने दो, इनको लेट कर देखने दो, हमारे शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है सुरेश बाबू। हाँ गोपी ये तो बेहोश हो गए हैं, हमारी कला का इतना प्रभाव। तुषार बाबू 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 तुषार बाबू। अब तबीयत कैसी है? अब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा आगे दिखाऊं क्या? ये नृत्य है, ये नृत्य फिल्म में देखेंगे तो पब्लिक भी हमारी तरह लेट जाएगा। अति भयंकर। भयंकर? आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भयंकर कहते हैं? बोले उठिए क्यों नहीं बोलेंगे? अरे ये तो बताओ, ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसा भयंकर नृत्य क्यों सिखा, क्यों सिखा रहे? बोलो बोलो ना। सर आप जो कहेंगे हम वही सिखा देंगे, इतना बताइए चंपा हीरोइन तो बन जाएगी ना? अवश्य बनेगी। सर मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं, एकदम हिट कहानियां। अरे पहले इस लड़की को हीरोइन बनाने के लिए टाका तो निकालो। टाका? हाँ हाँ पैसा पैसा, जो चिट्ठी भी लिखा था। सर ये मैं आपके लिए 2000 रुपए लाया हूँ। शूटिंग कब शुरू होगी? बताएगा बताएगा, पहले तुम इस सुंदरी को दूसरा नृत्य सिखाओ, शेक ट्विस्ट वगैरह वगैरह। सिखा देंगे, जरूर सिखा देंगे। सिखाएगा? राजू कहाँ गए थे बेटा? यूं ही जरा इधर उधर। क्या बात है, कोई मकान नहीं मिला? आपके शहर में मकानों की क्या कमी है दिनू काका, जहां देखो मकान ही मकान है और क्या। फिर भी तुम्हें सर छुपाने को छत नहीं मिली है ना? मिल जाएगी दिनू काका, मिल जाएगी। छोटी मास्टर ने कहा होगी यहीं कहीं। छोटी मास्टर जी यहाँ क्या कर रही हो? वो पेट? हाँ पहले छोटे होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा वो पत्तियां हवा में मगन होकर झूम रही है ना? ये भी नहीं। कोयल? हाँ कोयल, कोयल कूक रही है ना? हाँ। नहीं। क्या कह रही हो छोटी मास्टरनी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। दिल की
कितनी भोली हो जीवन की होली धरती भगवान की है बेटी, घर तुमने बनाया है, मेरा इसमें क्या है? भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ जाओ बेटी। हेमा, अरे कैसे हो? राजू क्या है क्या? क्या बात है छोटी बच्ची जी? मैं उठा दूँ। अरे कुसुम जी, यहाँ पर यार। हाँ
रविंद्र थिएटर के ऑफिस में मुझे नौकरी मिली है। तुम सुनाओ, तुम लोग यहाँ कैसे? वो मास्टर जी के गुजर जाने के बाद छोटी मास्टरनी बिल्कुल अकेली हो गई थी गाँव में, सो हम लोग यहाँ चले आए। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। एक काम करो, ये रहा मेरा पता, कभी आ जाओ। हम लोग तो स्टेज पे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। मैं मैनेजर साहब से बात करके रखूंगी कि तुम दोनों को भी नाचने गाने का मौका दें। मुझे यकीन है कि तुम दोनों का प्रोग्राम एक बार स्टेज पे हुआ नहीं कि हजारों रुपए कमाओगे तुम लोग। ना बाबा ना, अरे सड़कों पर नाच गा लेते हैं अपनी मस्ती में, वो और बात है, पर स्टेज पर गाना अपने बस की बात नहीं। और फिर रही छोटी मास्टरनी की बात, तो बुरा मत मानना कुसुम जी, मंदिर की मूर्त का कोई मोल नहीं होता। दुनिया की तमाम दौलत भी मिलती हो तब भी मैं छोटी मास्टरनी की कला को कभी बिकने नहीं दूंगा। अरे बेच दो कौड़ियों के दाम अपनी संस्कृति को, अरे अपनी कला को बेच दो, हो सके तो खुद नंगे खड़े हो जाओ बाजार में। अरे चंपा, ओ चंपा, ओ चंपा, अरे जल्दी लो बर्फ पकड़ो, अरे बर्फ पकड़ो, हाँ डालो, अरे पीछे डालो, पीछे डालो, अरे यही है शेपू, अरे यही है शेपू, अरे यही है शेपू, अरे आहा आहा, अरे आहा, अरे है शेपू, अरे है शेपू, अरे गर्मा गर्म चाय, अरे गर्मा गर्म चाय, अरे यही है तुस्तू, अरे यही है तुस्तू, अरे यही है तुस्तू, अति सुंदर, जिंदगी भर ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा। क्या भंगिमा, क्या फोर्स, नाम क्या मिस्टर बदमोनी? गोपी मास्टर सर। नहीं रे, मैंने इसका नाम नहीं पूछा था, मैंने पूछा था इस नृत्य के नाम। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कहते हैं इस नृत्य को? पिंडा गिराओ। क्या गिराओ? पिंडा, यानी जिस तरह बच्चा माँ के पेट में उछल कूद करता है उसी को ध्यान में रखकर विदेशी लोगों ने इस नृत्य को बनाया है, पिंडा गिड़गिड़ाऊ। हाय 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 रे, अरे इतना ज्ञान ऐसा विद्या अभी तक क्यों छुपा कर रखा था रे? सुनो, हम तुमको डांस डायरेक्टर बनाएंगे भारत मुनी। घोष बाबू, इनसे मिलिए, यह हमारी मामी जी चंपा की माँ। नमस्कार माता जी, आपका लड़की बहुत बड़ा हीरोइन बनेगा, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, यही लेने के लिए तो इधर आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे सुरेश, पहले फिल्म तो शुरू हो जाने दो, हम क्या ऐसे ही रुपए थमा देंगे आपको? हैं गोपी जी, हाँ छोड़ी मेरा है, अकल तो है नहीं और हर मामले में टांग लाते फिरते हैं। सुरेश बेवकूफ। हाँ सर जी, फिल्म कब शुरू होगी? फिल्म बहुत जल्द शुरू करेगा, ये माघ महीना है, बहुत अशुभ है, पौष में शुरू करेगा, यानी कि मार्च महीने में, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। कितना वक्त निकल गया दिनों का, क्या कोई लड़का नहीं मिला छोटी मास्टरनी के लायक? ढूंढ रहा हूँ भाई, अभी उस दिन ही तो तुमने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी? आप जल्दी की बात कर रहे हैं दिनों काका, मुझे तो लगता है कि बहुत देर हो जा रही है। 24 घंटे में सूरज तो निकलता ही है, वक्त आने पर फूल भी खिलते हैं, मौसम के बदलते बाहर भी आती है, लेकिन छोटी मास्टरनी की बदनसीबी नहीं हटती। आपने तो उन्हें देखा है ना दिनू काका, देखा है ना, कितनी भोली है वो, कितनी नाजुक है वो, क्या दुखी दुख होने थे उनकी किस्मत में। बहुत बर्दाश्त कर लिया दिनू काका उन्होंने, बस अब तो बहुत ही हो चुका। जब भी तो मैं कहता हूं ना कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो उन्हें पलकों की ओट में पुतली की तरह रख सके, जो संभाल सके, बीए पढ़ा हो, जो उन्हें समझ भी सके। बीए क्या, एमए पढ़ा मिल सकता है मगर काका, ये एमए बीए से ज्यादा होता है? हाँ तो फिर तो आप एमए ढूंढिए काका, और हाँ पैसों की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं राजू, अच्छे लड़के पैसे वैसे नहीं मांगते, फिर भी अच्छी तरह शादी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये बात तो है। अच्छा काका, ये एमए लड़के से शादी करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? 5-6 हजार तो आजकल यूं ही खर्च हो जाते हैं बस। फिर तो आप जल्दी से एक एमए लड़का ढूंढ लीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा।
मामी, इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई। फिनिश। जानती हो खोज बाबू ने चंपा के साथ हीरो किसे लिया है? अमिताभ बच्चन। सच्ची? क्या? हाँ, और अगले हफ्ते शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। आई गो मामी, खोज बाबू मेरा इंतजार करते होंगे। मैं भी चलूं? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम अब बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो। खाम खा यहाँ आना जाना बंद करो, समझी? है गोपी जी भी गो। पहले दायां पांव बाहर निकालना शुभ होता है। कुएं में कूद रहे हैं और दायां बायां देख रहे हैं। कुछ कहा बात नहीं, कुछ नहीं। कहना सुनना तो हमने कब का बंद कर दिया है। आ, चलो भाई चलो। चल दाएं हाथ से दरवाजा खोलो और पहले दायां पांव अंदर रखो। भगत आओ, बालक आओ। तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है कि तुम ठगे जा चुके हो। महाराज, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, फिल्म प्रोड्यूसर घोष बाबू। बालक, दुनिया आनी जानी है, घोष जाता है तो घोष आता है, घोष जाता है तो घोष आता है। मगर उन्होंने तो कहा था नीचे नीचे नीचे। माफ कीजिएगा, उन्होंने तो हमसे रुपए भी ले लिए। लाख कमाने के लिए हजार गंवाने भी पड़ते हैं, संसार का यही नियम है। जय भगत। 1000 नहीं महाराज, 10000 दे चुका हूँ, 10000। अगर ये पैसा डूब गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। शांति बालक, शांति। 10-10 की 10 नोट निकालो, अभी 10000 वापस लाने की तरकीब बताता हूँ। यही नियम है, संसार का यही नियम है बालक, निकालो। बालक, बालक, दस ना हो तो 5 भी चलेगा। महाराज, बालक 5 चलेंगे ना? चलेगा। अच्छा अच्छा, हमारा ये नियम है महाराज कि 1-5 से काम न चले तो 1-5 और जमा दे। और नहीं चाहिए भैया, कुछ भी नहीं। तुषार घोष, तुषार घोष। चटर्जी, तू चटर्जी है कि बनर्जी है? तू भोले भाले शरीफ आदमियों को लूटता है। अरे कहाँ गया ये टोपी धारी? अरे गिरिता गार्बो, अरे नरेश, अरे रीना रॉय, अरे रीना रॉय। हाँ जो, अरे किधर तू, किधर बता, बता किधर गया पैसे, बता फिर किधर गया पैसे, बता। अरे तू बता क्या नहीं, तू बता, बता तेरी खोपड़ी तोड़ दूँगा, बता 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 किधर, बता 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 तू, बता बता बता। जिस घोड़े में लगाया था वो गधा निकला रे। गधा निकला, तेरा गधे की सवारी निकालता हूँ। वो जो भी कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। हे, ये सब कचरा पट्टी निकाल कर फेंको बाहर। मैनेजर बाबू, कुछ दिन और रुक जाइए, सुरेश आकर आपके सारे रुपए दे देगा। सुरेश? वो नहीं आएगा, उसका एक कार्ड आया है, पढ़ लो। सुरेश भैया की चिट्ठी? हाँ हाँ, तुम लोगों को लिखने में शर्म लगती थी तो मुझे लिखा है कि इन लोगों का भाड़ा माफ कर दो। अरे वाह, कमाल है। अरे घोड़े से बोलता है, घास से जारी करो। अरे और कुछ है? ये घुंघरू की जोड़ी है साहब, सड़क पे भीख मांगने के काम आएगी। ले ले छोकरी। छोटी मास्टर जी। ये लो छोटी मास्टर जी।
डफ बजाओ। तुम तो बजा ही लेते हो। ओहो, खाना तो बनता ही रहेगा छोटी मास्टरनी। आज तुम डफ बजाओ और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास नाच दिखाता हूं, ठीक है? एक दो तीन। तेरे गंज साम, तेरे गंज साई, साम ती साम ती साम, साम ती साम साम ती साई डाल। हाँ हाँ। बजाना छोटी मास्टर जी, हम तुम्हारे लिए और नाचेंगे। बजाओ बजाओ, बजाना। बुखार नहीं छोटी मास्टर जी, वो क्या जरूरत है छोटी मास्टर जी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें क्या नाम बताया तुमने? राजू। हाँ, तुम्हें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। मुझे क्या होने लगा डॉक्टर बाबू, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मजाक की बात नहीं है राजू, तुमने जरूर अपनी बर्दाश्त से ज्यादा मेहनत की है। नतीजा जानते हो, तुम्हें टीबी है। धीरे बोलिए डॉक्टर बाबू, आपको यकीन है मुझे टीबी ही है डॉक्टर बाबू? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बिल्कुल आराम की जरूरत है। बिस्तर पे पड़े रहना होगा, वक्त पे दवा और फल खाने होंगे, जब तक तुम एकदम ठीक ना हो जाओ, समझे? ये लो दवाइयां खरीद लो और इलाज अभी शुरू कर दो, देर मत करना। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि मुझे टीबी हो गया है। डांट के बाहर निकाल दिया मुझे, बोले हट्टे कट्टे हो, घोड़े के मांस, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करते हो? छोटी मास्टरनी, तुम ऐसे ही फिक्र करती हो। चलो चलो। खांसी? अब खांसी के लिए कोई दवाई इंजेक्शन लेता है, बोले ठीक हो जाएगी दो दिन में अपने आप। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ छोटी मास्टरनी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं छोटी मास्टरनी को अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है राजू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोटी मास्टरनी का क्या होगा? उनकी शादी कौन करवाएगा राजू, कौन करवाएगा? मैं अभी आता हूं। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लेना छोटी मास्टरनी।
Good, good. He's making a fast progress. ये प्रिस्क्रिप्शन तो राजू का है। उसे टीबी है और किसी भी तरह की थकान या तनाव उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जब तक राजू ठीक ना हो जाए, दवा के साथ साथ उसे पूरे आराम की भी जरूरत है। इसे जल्दी से इस्त्री करा दो। हाँ अच्छा मैम साहब। दीदी। हाँ अरे हेमा राजू, राजू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम नाचोगी? ठीक है। मत रोको मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे, मत रोको मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे, मत रोको। जो होता है जो होता है हो रोको, मुझे गाने दो मुझे, मत रोको। मैं हूँ जिंदा ये क्या कम है, जब तक इन हाथों में दम है, डफली वाले को डफली बजाने दो मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे, मत रोको। चांदी न घोड़े न हाथी, ना सोना ना चांदी न घोड़े ना हाथी, मेरे गीत मेरे साथी। मैं हूँ दूल्हा ये बाराती, मुझे गीतों की डोली, मुझे गीतों की डोली सजाने दो मुझे, मत रोको मुझे, गाने दो मुझे, मत रोको। आ
मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में, मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में, तेरा गम है मेरे दिल में, मेरा गम है तेरे दिल में, इस दिल को जरा, इस दिल को जरा बहलाने दो, तुझे मत रोको मुझे गाने दो, मुझे मत रोको, जो होता है हो जाने दो, तुझे मत रोको मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। छोटी मासनी, छोटी मासनी, छोटी मासनी, तुम खामा का नहा जोगी छोटी मासनी। मैंने अपनी बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्यों, क्योंकि तुम ऐसी फिक्र करोगी, वैसे कोई खास बात नहीं है। हाँ छोटी मास्टर ने, मैंने उस दिन अपनी झूठी कसम खाई थी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। छोटी मास्टर, मैंने तुमसे क्या कहा था राजू, किसी भी तरह की मेहनत, कोई भी तनाव तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, कहा था ना? डांटिए, आप भी डांट लीजिए, छोटी मास्टर ने भी गुस्सा करके चले गई, आप भी कर लीजिए, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, छोटी मास्टर की शादी कैसे होगी? उनकी शादी यानी तुम दोनों? छी 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 डॉक्टर बाबू, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कहां छोटी मास्टर और कहां मैं, कितना बड़ा घराना है उनका, जानते हैं आप, मास्टर चिंतामणि प्रधान की बेटी है वो। हाँ उनकी शादी तो किसी राजकुमार के साथ होगी। जरूर, बल्कि अब तक तो हो जानी चाहिए थी। तब की हो जाती डॉक्टर बाबू, लेकिन क्या कहूँ, लड़कों की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं, बस वो तो एक ही चीज जानते हैं कि छोटी मास्टरनी बोल नहीं सकती और कुछ नहीं। उनका तो अंग अंग बोलता है राजू, शरीर का पोर पोर जैसे जुबान हो। कोई भाग्यवान होगा जो उनसे शादी करेगा, भला कौन इनकार करेगा? ये सब कहने की बातें हैं डॉक्टर बाबू, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप छोटी मास्टरनी से शादी कर लें तो आप कर लेंगे, राजी हो जाएंगे आप? नहीं होंगे, मैंने कहा ना, कहने और करने में बहुत फर्क है डॉक्टर बाबू, चलता हूं। राजू, राजू अपनी छोटी मास्टरनी से भी तो पूछ लो, क्या वो मुझसे शादी करेंगी? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना डॉक्टर बाबू? कुसुम जी सुना आपने डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू मैं सच कहता हूँ, छोटी मास्टरनी बहुत ही अच्छी लड़की है। डॉक्टर बाबू आप सच कह रहे हैं ना, आप उनसे शादी करेंगे ना? डॉक्टर बाबू मैं बाबू आप सच कह रहे हैं ना, आप उनसे शादी करेंगे ना? डॉक्टर बाबू मैं
तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। ये क्या कर रही हो छोटी मासी? ये क्या नादानी छोटी मासी? ऐसे भी कोई मजाक होता है क्या? तुमसे सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं और सभी को तो तुम बोल लेती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैंने मास्टर जी से क्या वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मैंने ढूंढ लिया छोटी मास्टरनी, कोई बीए एमए नहीं एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ छोटी मास्टरनी, अपने डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े आदमी है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ है उनके पास। मैं जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों का लालच नहीं है छोटी मास्टरनी, फिर भी मैं नहीं, तुम्हारे लायक सिर्फ डॉक्टर बाबू है। आखिर मेरा आता पता क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा घराना क्या है? इंसानियत तुम्हारा घराना है राजू, और कितने लोग सचमुच होते हैं इस घराने के आजकल। डॉक्टर बाबू आप तो ऐसा मत कहिए, छोटी मास्टरनी पर तो कुछ पागलपन सवार हो गया है। कुसुम जी आप इन्हें को समझाइए ना। नहीं राजू, हेमा ने कोई गलत फैसला नहीं किया। कुसुम जी। हाँ राजू, जिस तरह सुर और ताल के बिना संगीत पूरा नहीं होता, उसी तरह तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो तुम लोग। नहीं कुसुम जी, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ये। राजू मास्टर जी के सामने तुमने हेमा को खुश रखने की जिम्मेदारी ली थी ना, तुम्हारे अपनाने से अगर वो खुश हो सकती है तो तुम्हें एतराज क्यों है? कुसुम ठीक कहती है राजू। डॉक्टर साहब अब मैं आपको कैसे समझाऊं? डॉक्टर साहब आप ये भी जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। वो तो छोटी मास्टरनी को भी पता है राजू, इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारा इलाज तो चल ही रहा है, बाकी जिम्मेदारी मेरी रही, तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं। डॉक्टर साहब। हाँ राजू, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। कहाँ वो आराम खोर राजू? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम।
राम राम राम। आप पूछते रहते थे ना, है क्या मेरे राजू की चिट्ठी? आ गई किधर गई? ये लीजिए। सुनो भाई, वो प्रसाद तो लेते जाओ। प्रसाद? प्रसाद तो मैंने सुबह ही ले लिया था। तो पूज्य पुजारी जी, आपको राजू का पता नहीं मालूम? ले इधर चिट्ठी, चिट्ठी दे इधर। राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जय हो पुजारी जी की, जय हो जय हो जय हो। बोल बुढ़े, बताता है राजू का पता क्या है? राजू का पता पूछ रहे हैं? अजी हमसे पूछिए, बेचारे पुजारी जी को क्यों धमका रहे हैं? हम उसी की तरफ जा रहे हैं। नहीं गोपी नहीं, ऐसा पाप मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे राजू का पता किसी को मत बताना। मैं पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे। आप हमारे पाँव क्यों पड़ रहे हैं? हम कोई भगवान थोड़े ही है। देख लो, हमें बिना बात के पाप में घसीट रहे। चलो चलो यहाँ से निकल चलो। चलो गोपी नहीं, ऐसा अनक मत करो गोपी। आज तक सिर्फ तुम्हारी सेवा की है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग रहा हूं, मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो। रोको, अरे हम कह रहे हैं गाड़ी रोको। अरे रोको, अरे अरे रोको रोको, अरे रोको। क्या हुआ? लगता है पिछले पहिए में पंक्चर हो गया है। पंक्चर कैसा बनाया? हमें क्या मालूम राजू कहाँ है, हम चलते हैं। अरे बंद कर कालू। देखिए हम बहुत नाजुक हैं, बिना बात के दो चार हड्डियाँ सरक जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। अरे अरे भोलेनाथ भोलेनाथ के बच्चे, तू अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है? नहीं बता दे कहाँ राजू। हमें नहीं मालूम, और अगर हमें मालूम हो तो भी नहीं बताएंगे। तो भी नहीं बताएंगे? नहीं। तो ले चलो इसे। भोलेनाथ जी। किस्मत में ये दिन देखना, कहते हैं ना जैसा कोई करता है वैसा भगता है, उसी का ही भय मुझे मिला है। जैसा मैंने तुम लोगों के साथ सलूक किया। ऐसा मत कहिए मासूम जी, जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाइए उसे। आप आइए मेरे साथ। बेटा अपनी बड़ी बेटी के पास। बेटी आपकी बेटी। चलो चलो। चलिए
मैंने तेरे साथ क्या भला किया, इसका बदला ये दिया। तो तुम राजू का पता नहीं बताओगे? उस हरामी की औलाद को तो मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा। प्रकाश राजू की तलाश में यहां आया है, हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आपका शक एकदम सही निकला। अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ बदमाश राजू नाम के आदमी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। कि वो गूंगी तुम्हारी धर्म पत्नी बनने वाली है, मैं उसे भी यहां लाऊंगा और उसके बाद मैं तुम दोनों को एक खूबसूरत सा तमाशा दिखाऊंगा। जी के साथ दीदी का भी कुछ पता नहीं। हेलो, यस सर, है? कुछ पता चला? हेमा, 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 हेमा प्रकाश राजू को पकड़ के ले गया है। बदमाश यहाँ भी आ सकता है। तू सो के लिए मत रह, चल फौरन मेरे साथ चल। सारे फसाद के जट तुम हो, है ना? हाँ मैं हूँ। तो फिर तुम औरों को क्यों सताते हो? बताओ राजू कहाँ है? रामजादे, चेक।
राजू की दबकी आवाज। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दीजिए। घबराइए मत, जल्दी कॉल लगाओ, सीढ़ी लगाओ जल्दी। बाबा चुप बेटा, ठीक तो हो ना? राजू, राजू बेटा, इतना ही बहुत है कि तू बच गया। जानता है किसने बचाया है तुझे? किसने बुलाया हम लोगों को यहाँ? हमारी हेमा ने। Baby,